अभी हमारे पास है वैगनर के सीरीज और इसमें हम लगाने वाले हैं इसकी ये पार्सल ट्रे। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे आप खुद से लगा सकते हो, इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी पार्सल ट्रे की, जिसको आप डिक्की ट्रे भी बोल सकते हैं। प्रॉपर वैगनर के सीरीज की है, 2010 से लेके 2019 तक जितने मॉडल आते हैं सब के सीरीज वाले मॉडल में लगेंगे। सारे कट जो हैं बिल्कुल प्रॉपर वैगनर के सीरीज के हिसाब से ही बनाए गए हैं, किसी और मॉडल में नहीं लगेगी। मतलब अगर किसी और मॉडल की चाहिए तो फिर अलग आएगी। और ये इसमें एक्स्ट्रा लगी हुई है नीचे की साइड ताकि यहां से बैंड ना हो। एमडीएफ बोर्ड है नीचे, इसमें स्पीकर के लिए कटिंग दे रखी है, एक तरीके से काट के छोड़ दिया है। आप चाहें तो इसको हम बंद भी कर सकते हैं और चाहे तो इस यहां पे स्पीकर के होल क्रिएट भी कर सकते हैं। इसमें अभी नहीं लगने थे तो इसलिए नहीं बनाए हैं। ये है प्रॉपर ट्रे वैगनर के सीरीज के लिए। इंस्टॉल करके दिखाते हैं आपको। इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी स्क्रू वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, खाली इसको आपको डिक्की में रखना है, रखते ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। चलिए चलते हैं और गाड़ी में लगा के दिखाते हैं प्रैक्टिकली, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ब्लैक कलर ही चलता है वैगनर में, वैसे ब्लैक और बेज दो कलर के इसमें कारपेट आपको मिल सकते हैं। वैगनर के सीरीज का ये वाला मॉडल है, आप सामने देख ही सकते हैं। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, खाली जो डिक्की के अंदर जगह बनी हुई है उसके ऊपर रखना है। सीट को आप चाहें तो आगे की तरफ इसको झुका के इसको रख सकते हैं। एक बार आप देखिए इसमें प्रॉपर जो इसके साइडों के अंदर ना इसमें प्लास्टिक लगी होती है उसके अंदर ये अटकती है। सारे के सारे कट आपको दिखा देते हैं किस तरीके से उसमें फंसेगी, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें आ जाती है। जो आगे वाली सीटें हैं वो इसमें झुकानी पड़ सकती हैं, अगर पीछे से ऐसे फिट ना हो तो हम सीटें इसमें पीछे कर लेते हैं और इसको खाली जो साइडों के अंदर इसमें ब्रैकेट लगे हुए हैं प्लास्टिक के उनके ऊपर इसको ऐसे रख देना है। तो दोनों साइड से ये फिक्स हो जाएगी, इधर से सीट के बीच में आ जाएगी और उधर से जब डिक्की बंद होएगी तो इधर वाले हिस्से के बीच में बंद हो जाएगी। देखिए ये लग चुकी है और इसमें नीचे स्पेस आप देख सकते हैं, सीएनजी सिलेंडर जो लगा हुआ है उससे काफ़ी अच्छा स्पेस है। और इसमें जो टायर लगा हुआ है वो भी अभी बाहर की साइड है लेकिन फिर भी स्पेस है काफ़ी, आप देख ही सकते हैं इसके अंदर जो स्पेस है। एक बार इसके जो कट है वो दिखाते हैं कैसे ये फंसी हुई है इसमें। ये इतना स्पेस तो है इसमें नीचे डिक्की में, आपको सामान वगैरह थोड़ा बहुत रखना चाहें तो उसके लिए। और ये यहाँ पे इसके अंदर एक ये निकला होता है यहाँ पे पॉइंट सा, तो उसके अंदर फंस गया है ये। और बाकी सारे के सारे कट जो हैं वो उसी हिसाब से हैं जो बाहर डिक्की के जो बाहर वाला हिस्सा है उसकी जो शेप है, आप इसमें देख ही सकते हैं। माफ़ी चाहेंगे क्लैरिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि रात में वीडियो रिकॉर्ड की गई है तो उसके लिए, लेकिन लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप दोनों तरफ से देखिए डिक्की बंद हो गई है, सीट उधर से बंद हो गई मतलब, और डिक्की उधर से, तो ये बिल्कुल फिक्स हो गई है। एक बार आपको अंदर से और दिखाते हैं इसको कुछ इस तरीके से, जैसा आप इसमें देख सकते हैं जो ये डिक्की उठाने वाला शोकर है उसके हिसाब से लगा हुआ है, हर पॉइंट के हिसाब से इसमें अलग से जगह जो है उसी हिसाब से बनी हुई है। और हिलने डुलने का इसमें कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा बहुत सामान वगैरह रख सकते हैं, काफ़ी मजबूत होती है कंपनी वाले से। और अगर आपको किसी और गाड़ी की चाहिए तो आप कमेंट करके उसकी डिटेल ले ही सकते हैं, ज़्यादातर हमारे पास सारी मिल जाएंगी। और ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा सा क्लैरिटी रात की वजह से इसमें थोड़ी सी कम होगी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और फिटिंग आप इसकी देख ही सकते हैं, लगाना आसान है निकालना आसान है, आप जब चाहे इसको लगा सकते हैं जब चाहे इसको निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल होती है, खाली रखना ही होता है। कुछ गाड़ियों में रखना होता है और कुछ गाड़ियों में इसमें नट भी लगाने पड़ते हैं, वो जब आपको चाहिए उसके हिसाब से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।